welcome to plus one commerce class. This is your business study lecture and this is last video first unit evolution and fundamental of business. We will discuss about the history of trade and commerce in India. Ki uski jo ancient time mein kya position thi trade aur commerce ki. Okay? Yes, student. This is topic history of trade and commerce in India. This is very like you are doing 10th in 10th class history, na? This type topic is there. So, because of your easiness, I have made notes of this topic. Okay, only this is the last topic. I have made notes of this. I will send you PDF of notes to you also in group. And no need to read this topic from book. You can read only notes also. Yes, friends. Firstly, introduction about this topic, history of trade and commerce in India. देखो, इंडिया की जो इकोनॉमिक पोजिशन है उसको इंक्रीज करने में ट्रेड और कॉमर्स का बहुत बड़ा हाथ है. जो पोजिशन उसमें डेवलपमेंट हुई है तब से लेकर अब तक ट्रेड एंड कॉमर्स में, तो इससे जो इंडिया की पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. ट्रेड एंड कॉमर्स कैरिड आउट बाय द वाटर एंड लैंड, इसमें बाय रोड भी होता था, बाय सी भी होता था ट्रेड एंड कॉमर्स. तो पहले आपने सुना होगा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो आपके हिस्ट्री में थे, तो ये जो इन्होंने हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैज एस्टेब्लिश कमर्शियल कनेक्शन विद मेसोपोटामिया. इनके मेसोपोटामिया के साथ जो कमर्शियल उनसे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता था एंड ट्रेडिंग वो करते थे किस में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर, बीड, सी शेल्स, ठीक है, तो इन सभी थिंग्स में वो बिजनेस करते थे. ओके, देन अनदर मेन फीचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एंशियंट टाइम वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. दिस बैंकिंग सिस्टम, आजकल तो क्या होता है कि अगर हमें किसी लोन की जरूरत होती है तो हम बैंक में जाते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं और लोन मिल जाता है. लेकिन इन एंशियंट टाइम क्या होता था कि जो बड़े बड़े सेठ होते थे उन्हीं से अगर मान लो बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता था, मनी चाहिए होती थी, तो उनके पास कुछ गोल्ड वगैरह जो रख के वो उनसे मनी अरेंज करते थे. ओके, दैट सिस्टम इज नोन एज इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम. एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस, जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ जो है वो इकोनॉमिक बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगे, तो मेटल बिगन टू मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उससे पहले क्या होता था, आपने पढ़ा भी होगा कि जो दो लोग आपस में एक जो है वो आपस में गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे, बिजनेस भी होता था तो उसको सेल नहीं करते थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इकोनॉमिक लाइफ में डेवलपमेंट हुई तो मेटल बिगन टू मीडियम ऑफ द एक्सचेंज. ठीक है, पहले रुपीज़ तो होते नहीं थे, तो मेटल के बदले में चाहे गोल्ड सिल्वर इनके बदले में जो है वो एक्सचेंज होने लगा. एंड इट्स यूजेज इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. डॉक्यूमेंट्स जो है, कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स जो इसमें यूज़ होते थे, हुंडी एंड चिट्ठी, ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते थे फॉर द ट्रांजेक्शन. इन डॉक्यूमेंट्स में जैसे मान लो किसी से उधार पे वो गुड्स खरीदी, किसी ने पेमेंट नहीं की, तो उसके बदले में उस डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता था प्रोमिस टू पे भी है, जो वो कब मनी की पेमेंट करेगा. जैसे आज की करंट पोजीशन में जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं, तो पहले इसको हुंडी एंड चिट्ठी के नाम से जाना जाता था दीज इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, एंड कैन बी ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते थे जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ऐसे ही जब पुराने ज़माने में हुंडी एंड दे कैन बी ऑल्सो एक्सचेंज. ओके, एंड बैंकिंग उनसे जो एक्सचेंज उसके बदले में जो उन्हें भी मनी चाहिए होती थी बिजनेस के लिए वो उनसे उधार लेते थे एंड द फाइनेंस ट्रेड और बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे. ओके, और एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की क्या पोजीशन थी एशियन टाइम में. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों का जो सोर्स ऑफ अर्निंग था एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वो घरों में एनिमल्स और एग्रीकल्चर, यू कैन अंडरस्टैंड. दे वर एबल टू रेस टू और सम टाइम थ्री, कई बार जो मान लो एनवायरनमेंट जो है उनके फेवर में होता था तो कभी कभी वो तीन तरह की क्रॉप्स भी एक साल में उगा सकते थे. ओके, एंड इसके अलावा मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट बाय कार्ट, बोट एंड शिप, दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम. ओके,
इसके अलावा कारखानास, जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स होती थी कारखानास, जिसे हम बोलते थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं, कारखानास जो छोटी छोटी वर्कशॉप होती है उन्हें कारखानास बोलते हैं, वर पॉपुलर वे वर्कर कन्वर्ट देयर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल होता तो उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे, जिसमें वो इंक्लूड करते हैं जैसे उन्होंने पोर्ट्स बनाने हैं या छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट उसमें घर पर बड़ी हुई जो चीज़ें बनानी हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो कारखाना में बनाते थे वो चीज़ें। इसके बाद और क्या था एंशियंट टाइम में, राइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स, इंटरमीडिएटर्स यानी जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स जो है वो पहुंचाते हैं, इंटरमीडिएटर्स का सहारा लिया गया गुड्स को पहुंचाने में, जो जिसमें होलसेलर और रिटेलर इंक्लूड किए गए, ठीक है, इन्हीं को हम इंटरमीडिएटर्स कहते हैं जो गुड्स पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें भी जो है वो फॉरेन के साथ बिजनेस किया, उसमें भी इंक्रीज़ हुआ फॉरेन ट्रेड में। इसमें आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आई थी बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड था, तो ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे इंडिया में ज़्यादा स्कोप नज़र आया तो उसने इंडिया में अपना बिजनेस डेवलप किया। एंड इसके अलावा ड्यू टू द कमर्शियल ऑपरेशंस इंक्रीज ड्यू टू द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पहले लोगों को उधार की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, तो जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी दी जाने लगी लोगों को तो जो कमर्शियल है वो बिजनेस है जो इंक्रीज हुआ, ओके। एंड लोन अवेलेबिलिटी के कारण ऑल्सो बिजनेस, देर विल बी डेवलपमेंट इन द कमर्शियल बिजनेस। लोन जो है वो कमर्शियल बैंक भी देते थे और इंडस्ट्रियल बैंक, लोन वर गिवन बाय द बोथ कमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक स्टार्टेड टू द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों तरह के लोन है वो दिए जाने लोगों को जिससे बिजनेस में डेवलपमेंट होने लगी, ओके। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसा था इन एंशियंट टाइम, ट्रांसपोर्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाय लैंड एंड वाटर दोनों तरह से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ओके। इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से रूट बनाए जाते थे, तो इसमें कुछ रूट हैं जो नॉर्दर्न रेडवे रोडवे रूट है वाज बंगाल टू टैक्सिला, अलग अलग रूट्स उनको नाम दिए गए हैं जो कि स्पेशल ट्रेड के लिए यूज़ होते थे, दैट आर नोन एज ट्रेड रूट्स दैट वर वाइड एंड सूटेबल फॉर द स्पीड एंड सेफ्टी। उसमें सिंपल जो है वो लोग कोई भी अपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, सिर्फ ट्रेड जो के लिए ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किए जाते थे। पीपर वॉज वैल्यूड, इसमें जो पीपर जिसको ब्लैक गोल्ड, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये कि पीपर वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड वॉज वैल्यूड, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रोमन एम्पायर में इसका बिजनेस किया जाता था पीपर का। इसके अलावा कुछ मेजर सिटीज थी जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थी, डेवलप थी, तो वो मेजर ट्रेड सेंटर के नाम से जाने जाते थे। उसमें जो मेजर ट्रेड सेंटर थे उसमें जैसे पाटलिपुत्र हो गया, पेशावर, टैक्सिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, सूरत, वाराणसी, कांची एंड मदुरा, तो ये जो मेन जो है ट्रेड सेंटर थे जिसमें बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड पोजीशन पे था, ओके। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो किन किन गुड्स का किया जाता था, इसमें है मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो किया जाता स्पाइसेस का, वीट, शुगर, कॉटन, पैरट, एनिमल प्रोडक्ट्स में एनिमल्स की स्किन, फर, उनके हॉर्न्स, इनका एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिया में वैसे भी वीट और शुगर जो है वो काफ़ी अब भी इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। इंपोर्ट में इंपोर्ट किया जाता था, इंक्लूड इंपोर्ट में क्या क्या, हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, ग्लासेस, टिन मेटल्स का भी इंपोर्ट किया जाता था। उसके बाद इंडिया में री इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी और ज़्यादा डेवलपमेंट कब हुई इंडस्ट्रीज़ में, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो इंडिया में जो दोबारा इम्प्रूवमेंट हुई, रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लान शुरू किए गए थे 1952 में, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो उसके बाद जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। इसके अलावा स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे कि इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द विच कंसेप्ट, ओके। बट इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप बिकॉज, लेकिन फिर भी इंडिया में पैसे की कमी होने के कारण लोगों के पास मनी नहीं थी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमें इंडिया को खर्च करने पड़ रहे थे, इसलिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा मनी नहीं थी, तो इसके कारण फॉरन से जो है वो इंडिया को बोरो करना पड़ा। तो इसकी पोजीशन क्या हुई कि
हमें 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी. लिबरलाइजेशन मीन्स दैट व्हेन देयर विल बी रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट विल बी डिक्लाइन. उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं रूल्स रेगुलेशंस को रिगार्डिंग टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दैट द पोजीशन इज नोन एज लिबरलाइजेशन. तो जब फॉरेन से हमारा बहुत ज़्यादा लोन हमें लेना पड़ा तो 1991 में इंडिया को लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी. ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ट्रेड में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2005 से 2020 तक बनाई गई थी, तो उसमें ये जो पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया की जो ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हुई. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पोजीशन जो है वो इंक्रीज हुई, तब इंडिया में जो पोजीशन है ट्रेड की थोड़ी सी बैलेंस पोजीशन में आई. राइजिंग इनकम, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, सेविंग बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी लोगों के पास, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंश्योर ग्रोथ फॉर इंडिया, इंडिया की ग्रोथ होने लगी. Now some important information is also regarding to the ancient time, that root used for the trade for of spices के लिए जो root use किया जाता था उस root को spice root special नाम दिया गया था, spice root. वैसे उस root का नाम था maritime root था वैसे तो वो, लेकिन वहाँ से spices का बहुत ज़्यादा trade होता था इसलिए उस root को ही नाम special दे दिया गया, स्पाइस रूट. ठीक है, दैट वर लिंक द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में लिंक दोनों में, दोनों के बीच में बनाया गया था ये वाला रूट, मैरीटाइम रूट था बट नोन एज स्पाइस रूट. इसके अलावा मेटल बिगेन एज मनी, जैसे जैसे मेटल को उन्होंने गुड्स की बजाय मेटल में एक्सचेंज होने लगा बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी, क्योंकि मेटल जो है वो उसमें ईजिली जो है उसको संभाल के रख सकते थे और उसको ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है मेटल की. ठीक है, तो उसमें बिजनेस जो है वो होने लगा. इसके अलावा एक फेरी टैक्स जो है वो स्टार्ट किया गया था. फेरी टैक्स वाज सोर्स ऑफ जो भी कॉरपोरेशन बनाई गई थी बिजनेस से रिलेटेड, मर्चेंट कॉरपोरेशन जिनको बोलते हैं, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था फेरी टैक्स. फेरी टैक्स मतलब कि जब भी कोई भी रूट से कोई भी पैसेंजर्स जा रहे हैं, गुड्स लेके जा रहे हैं, चाहे वो कैटल लेके जा रहे हैं, कार्ड मूवमेंट हो रही है, तो उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था इन द रूट, दैट टैक्स इज नोन एज अ फेरी टैक्स. इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मर्चेंट कॉरपोरेशन. इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बनाई गई थी डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाई गई थी, जिनके जैसे पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट थे वो नॉर्दर्न रीजन में काम करते थे, गुजरात एंड राजस्थान में भट्स ट्रेडिंग कम्युनिटी काम करती थी, वेस्टर्न इंडिया में महाजन काम करते थे, साउथ साइड में छठ काम करते थे. ठीक है, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी के नाम है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द वन मार्क क्वेश्चन. मोस्टली इस टॉपिक से आपके जो है वो वन मार्क के 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं. कुछ मेजर जो ट्रेड सेंटर जो हमने पहले भी डिस्कस किए उसमें आपने इनके जो ट्रेड सेंटर थे वो किस किस उनका जो मेजर किस थिंग्स में किस गुड्स में उनका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या ट्रेडिंग होती थी. पाटलिपुत्र का मेन जो बिजनेस था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन था, पेशावर में एक्सपोर्ट ऑफ वूल था और इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस होता था, एंड इंद्रप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ वॉज अ कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल लॉट रोड, एंड वाराणसी दैट मेजर सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी वाराणसी में, एंड पुलिकत पोर्ट में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था ज़्यादातर. ठीक है, तो ये जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर थे उनकी किस किस उनमें क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो ये भी वन मार्क में आपका आ सकता. यस फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट दैट इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. टोटल ए टू जेड पार्ट आर देयर ऑफ वीडियोस. इन दैट वीडियोस यू कैन सी द लेक्चर रिलेटेड टू दिस फुल यूनिट, एंड आई हैव सेंड पीडीएफ एंड नोट्स आल्सो आई विल सेंड टू यू दैट यू हैव can see that the one mark question related to this chapter and case study.